हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो यहाँ पे हम जो है स्टॉक फैन को लाइट देने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। मैं अपने स्टॉक फैन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ और ये आप देख सकते हैं, मैंने कार्डबोर्ड का एक रिंग बना लिया है। अभी तो देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन कोशिश ये है कि ये जो रिंग है ये इसके ऊपर ऐसे लगेगा और फिर जो लाइट है, ये वाली जो लाइट है, इसको हम जो है इसके अंदर चिपका देंगे। उसके बाद इस लाइट को हम जो है पावर सप्लाई से कनेक्ट करेंगे। पूरी लाइट हमें ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा ही लेंगे और जो है इसको चिपका देंगे अंदर। मतलब थोड़े से LED इसमें से लेंगे, थोड़ी सी स्ट्रिप काट देंगे और इसमें चिपका देंगे। उसके बाद उसका कनेक्शन कर देंगे पावर सप्लाई से, जो कंप्यूटर की पावर सप्लाई, या हो सकता है कि इसमें अगर समझ में आएगा तो इसी में कर देंगे। ठीक है, तो अभी तो ये देखने में कुछ खास लग नहीं रहा है। अभी तो लग रहा है कि हम और चीज़ों को बेकार बना रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि फिनिश होने पे ये कैसा लगता है। सो, यहाँ पे मेरे पास ब्लैक टेप है और मैं आपको बना के दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि मुझे दोनों हाथ से काम करना पड़ेगा और फ़िलहाल मैं एक हाथ से अभी अपना फ़ोन पकड़े हूँ और मेरे पास कोई एक्स्ट्रा कैमरामैन भी नहीं है जो मेरी हेल्प कर सके, मेरा फ़ोन पकड़ ले। तो मैं आपको स्टेप बताता जा रहा हूँ कि मैं क्या क्या करूँगा और फिर आपको आगे दिखाऊंगा मैं कि क्या करता हूँ। सो गाइस, अभी मैंने अपने कमरे में थोड़ा सा अंधेरा कर दिया है ताकि जो है लाइट थोड़ा बेहतर तरीके से दिख पाए। तो यहाँ पे जो है सामान थोड़ा सा फैला हुआ है। ये मेरा CPU है, अगर आप देख पा रहे हैं उसका पैनल खुला हुआ है। यहाँ पे हमने प्रोसेसर पे लाइट लगा दी है, आपको दिखाता हूँ ऐसे में। ये देखिए, ये इसके ऊपर एक रिंग लग गया है लाइट वाला और ये कार्डबोर्ड की लाइट है जो मैंने बहुत पहले बनाई थी। NVIDIA का लोगो है और एक रिंग इसके ऊपर लग गया है। तो अब ज़रा इसको ऑन करते हैं और देखते हैं कि ये कैसा दिखता है। तो मैं यहाँ से इसका पावर बटन दबाता हूँ। तो इसकी ज़रा लाइट को हम बंद कर देते हैं और ये देखिए आप। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा लाइट हो गई है, ये टू मच लाइट है। इतनी ज़्यादा हो गई कि मेरी आँख में चुभ रही है। जैसे कि यहाँ पे एक माउस रखा हुआ है, ये RGB, इसकी लाइट आप देखिए है, लेकिन डिसेंट लाइट है। इसकी तो बहुत ही चुभने वाली लाइट हो गई। इनफैक्ट जो मैंने लोगो बनाया है उसकी लाइट कम है। मैंने अपने हिसाब से ही बनाया था, लाइट कम रहे ताकि मेरी आँख में ना लगे। तो ये टू मच लाइट हो गई, आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा लाइट है। तो अपने फ़ोन का फ्लैश ऑन कर देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि वायर ये बाहर आ रहा है और ये कंप्यूटर के पावर सप्लाई में ही कनेक्टेड है। तो ये मैंने ऐसे ही कोशिश करी बनाने की और ये बन भी गई, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा परफेक्शन इसमें नहीं आया है। तो एक बार जो है ज़रा कैबिनेट को बंद करेंगे, उसके बाद बाहर से देखेंगे कि ये कैसा दिखता है। लेकिन मैं सही बताऊँ तो वैसे तो सब ठीक है, लेकिन लाइट बहुत ज़्यादा है और हो सकता है कि मैं इसको यूज़ ना करूं क्योंकि बहुत बहुत ही ज़्यादा लाइट है ये, मेरी आँख में चुभ रही है। तो अगर ये लाइट थोड़ी सी डिम जलती तो बात कुछ और होती, और मैंने इसमें कोई रेजिस्टेंस वगैरह भी नहीं लगाया कम करने के लिए। तो मैंने डायरेक्ट ऐसा ही तार जोड़ के लाइट लगा दी है, तो लाइट बहुत तेज़ जल रही है। तो देखते हैं कैबिनेट का इसका जो पैनल बंद करके क्या होता है। तो यहाँ पे आप इसका पैनल देख सकते हैं और इस पैनल में भी आप देखिए शीशा जो है वो डबल टेप से चिपका हुआ है। एक्चुअली ये जो कैबिनेट है ये सस्ता वाला कैबिनेट है, तो मैंने इसको मॉडिफाई किया था। और ये जो कैबिनेट है ये कोई ऐसी बहुत अच्छी कंडीशन में मुझे नहीं मिला था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्प्रे पेंट भी रखा हुआ है, पुराना डिब्बा है, अभी मॉडिफाई नहीं किया था। आज से करीब 3 साल लगभग हो गए, तो उस टाइम मैंने ये, अब लोहा काटने वाली मशीन तो मेरे पास नहीं थी, तो मैं ले गया था इसको एक शॉप पे जहाँ पे दरवाज़े वगैरह बनते हैं। तो उन्होंने जो है ये कैबिनेट का जो फ्रेम है वो काट दिया था, बाकी शीशे का टुकड़ा मेरे पास था ये पूरा ऐसे ही। और नहीं होता तो मैं शीशे की दुकान जानता भी था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप बाहर से भी करवा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सारे टूल्स हों। बाकी मैंने एक LED स्ट्रिप जो है लगा दी थी इसमें, लेकिन अभी मैं इसको कनेक्ट नहीं करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि
ये मुझे मिल गया था, पुराने फैंस है तो मैंने ये जो है इसमें जोड़ दिया था। तो ये बहुत ही हैंडी है किसी भी पावर सप्लाई से कनेक्ट करने के लिए और एक्स्ट्रा फैन कनेक्ट करने के लिए। तो अभी ज़रा कैबिनेट बंद करते हैं, फिर देखते हैं कि कैसा दिखता है। तो अभी मैं ये जो लाइट है इसका कनेक्शन नहीं करूँगा, और ये लाइट भी मेरे ख्याल से 3 साल पहले लगी थी। तो यहाँ से इसका जो सर्किट है, हाँ ये सर्किट टूट गया है यहाँ से, तो देखेंगे इसी को, इसको भी रिपेयर कर देंगे फिर से। सो गाइस, अभी मैंने जो है बंद कर दिया है इसको, कैबिनेट अपना ये बंद हो गया। हालांकि प्रॉपर बंद नहीं हुआ, अभी स्क्रू मैंने टाइट नहीं किए हैं, बस ऐसे ही पैनल बंद कर दिया। तो देखते हैं कि यहाँ से अब ऑन करते हैं और कैसा लुक आता है। तो कुछ ऐसा लुक हमें देखने को मिला है। तो ये जो लुक है फ़ोन का, ज़रा मैं फ्लैश बंद कर दूं, इस लुक से मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ ठीक है, DIY जैसा लग रहा है। लेकिन फिनिशिंग उतनी अच्छी नहीं है जैसे कि मैंने उस लाइट की फिनिशिंग करी है। और कुछ लोग केबल मैनेजमेंट देख रहे होंगे, उनको शायद कुछ बहुत अच्छा नहीं लग रहा होगा। तो मैं बता दूं कि ये कोई महंगा कैबिनेट नहीं है, इसमें पीछे तार डालने की जगह नहीं, लेकिन तब भी मैंने ज़बरदस्ती जो है तार एडजस्ट करके घुसेड़ दिए पीछे ताकि सामने ना आए। और इसमें 3-3 हार्ड ड्राइव लगी है, एक दो तो आप देख सकते हैं कि हार्ड ड्राइव मैकेनिकल लगी है, एक SSD लगी है जो कि पीछे मैंने लगा दी है, एडजस्ट कर दिए किसी तरीके से। इसमें पीछे जगह नहीं है, लेकिन फिर भी जो है मैंने जैसे तैसे कर दिया उसको एडजस्ट। और मैं चाहता तो आगे से ये पैनल खोल के और ये मैकेनिकल ड्राइव जो है इनको उल्टा लगा देता, ताकि ये जो साटा केबल्स हैं ये इधर आने की बजाय इस साइड आती, यानी कि यहाँ पे आती साटा केबल्स, मैं घुमा के ऐसे लगा देता तो ये थोड़ा सा क्लीन हो जाता। लेकिन वो फिर मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम हो जाता, और अगर मुझे कोई ड्राइव चेक करनी होती या साटा केबल निकालनी होती तो मुझे पहले ये खोलना पड़ता, फिर यहाँ के स्क्रू वगैरह निकालने पड़ते, फिर ड्राइव बाहर निकालनी पड़ती, तो टू मच वर्क हो जाता। इसलिए मैंने जो है इसको ऐसे ही छोड़ दिया। तो केबल्स जो हैं साटा की आगे आ रही हैं, तो केबल मैनेजमेंट थोड़ा सा और बेटर पॉसिबल था। और मैं चाहता तो मॉडिंग भी कर सकता था, यहाँ पे जो केबल जा रही है 24-pin कनेक्टर, इसको मैं सोल्डरिंग आयरन से मदरबोर्ड के पीछे सोल्ड कर सकता था एक एक वायर, तो वो बैक से ही चला जाता, फ्रंट पे आता ही नहीं, लेकिन फिर वो बहुत ज़्यादा काम हो जाता। तो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे इसकी मॉडिंग पॉसिबल है, बट ये होता कि अगर ट्रबल शूट आपको करना हो तो फिर बहुत ज़्यादा वर्क हो जाता आपके लिए। तो इतनी ज़्यादा मॉडिंग मैंने करी नहीं इसमें। तो फ़िलहाल मैं खुद तो अपनी लाइट से ज़्यादा इम्प्रेस नहीं हुआ हूँ। घर की लाइट एक बार बंद करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था, टू मच लाइट है ये, बहुत ज़्यादा लाइट हो गई। लाइट के संग मैंने पंखा भी बंद कर दिया, तभी मैं सोचूं गर्मी क्यों लग रही मुझे, ज़रा पंखा ऑन कर देता हूँ। तो लाइट बहुत ज़्यादा है, तो बहुत थोड़ी सी कम लाइट मुझे पसंद है, ये कुछ ज़्यादा ही लाइट हो गई। कमरा मेरा जगमगा रहा है इसी से ही, तो इतनी ज़्यादा लाइट मुझे नहीं चाहिए। तो अगर आगे मैं इसमें कोई मॉडिफिकेशन करूँगा तो मैं अपडेट कर दूँगा, या फिर मैं इसको इस्तेमाल ही नहीं करूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट है। तो अब मुझे पता है कि मैंने कोई बहुत प्रोफेशनल चीज़ नहीं बनाई है, लेकिन अगर फिर भी वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मन करे तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए बाय बाय। सो गाइस, मैंने एक चेंज किया है इसमें, मैंने जो रिंग बनाया था उसको मैंने लगा दिया है यहाँ टेरेस पे। इसका रीज़न ये है कि एक तो रिंग मुझे इस प्रोसेसर के ऊपर अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मैंने बनाया प्रोसेसर के लिए ही था, बट ऊपर मैंने लगा दिया तो वो मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है, लाइट ज़्यादा बेटर लग रही है। हालाँकि पता नहीं क्यों वीडियो में वैसा रिकॉर्ड नहीं हो रहा है जैसा मुझे दिख रहा है, यहाँ पर जो है डार्क ग्रीन का शेड आ रहा है, मतलब लाइट तो है लेकिन लाइट के संग संग वो डार्क भी है, बट इसमें जो है बहुत ज़्यादा ब्राइट दिख रहा है कैमरे में, तो यहाँ पे जो है परफेक्ट नहीं आ रहा। शायद मेरा ये तो बंद है,
तो इस पे जो है बहुत सारे रिफ्लेक्शन आ रहे हैं और लाइट अंदर बहुत कम है और आँखों को बड़ी अच्छी लग रही है इतनी कम लाइट। बहुत ज़्यादा लाइट नहीं है, बहुत ही डार्क भी है और लाइट भी है अंदर। हालांकि ये वाला जो लुक है ये इससे भी आ जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैंने आपने देखा था कि मैंने कैबिनेट में भी जो है पैनल में लाइट लगा रखी थी, लाइट की स्ट्रिप लगी हुई थी जिसको मैंने फिक्स नहीं किया, मैंने रिंग लाइट ऊपर ही लगा दिए, ऊपर ही इसको जो है डबल टेप से चिपका दिया है। बट पैनल वाली लाइट से क्या होता था कि लाइट पैनल से सामने की तरफ जाती थी, तो एक तो लाइट थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी, अभी लाइट इतनी ज़्यादा नहीं है कि आंखों को ना लगे। हालांकि उस टाइम भी उतनी नहीं थी कि आंखों को लगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये लाइट ठीक है, वो लाइट थोड़ी सी ज़्यादा थी। हालांकि उस लाइट को मैं कम भी कर सकता हूँ, स्ट्रिप थोड़ी सी काट सकता हूँ, बट उस लाइट में क्या था कि लाइट पैनल से जा रही थी और जब पैनल से वो जा रही थी तो काफ़ी सारी लाइट जो है वो ग्लास पे रिफ्लेक्ट हो रही थी, यानी कि ग्लास में ही जली जाती थी लाइट। तो उससे क्या होता था कि ग्लास के जो स्क्रैचेस हैं वो ज़्यादा विजिबल हो रहे थे, यानी कि जो ग्लास पे जो स्क्रैचेस थे वो थोड़े और ज़्यादा विजिबल हो गए थे। अब क्योंकि 3 साल पहले मैंने ये ग्लास लगाया था इस पे, तो धीरे धीरे टाइम के हिसाब से स्क्रैचेस आते गए, पेंट छूटता चला गया। पहले पेंट की कंडीशन बहुत अच्छी थी, अब आपको इसके अंदर स्क्रैचेस मिल जाएंगे, स्क्रैचेस हैं, थोड़े डेंट वगैरह तो नहीं आए हैं खैर कैबिनेट पे, लेकिन हाँ स्क्रैचेस बाहर भी हैं और अंदर भी हैं। तो अब काफ़ी जो है पुराना सा हो गया है, बट इस कंडीशन में क्या है कि स्क्रैचेस अंदर के और ग्लास के स्क्रैचेस उतने विजिबल नहीं है, उतने दिखाई नहीं पड़ रहे, तो ये कंडीशन थोड़ी सी अच्छी है। और जो लाइट आपको रिफ्लेक्ट होती हुई दिख रही है अंदर रेड वाली, वो मेरे कीबोर्ड की लाइट है। तो यहाँ पे फ्रंट का भी रिफ्लेक्शन आ रहा है, इसलिए इतना कैमरे में, मतलब कि जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो उसमें शायद आपको इतना अच्छा ना दिखे जितना अच्छा भी मुझे दिख रहा है, क्योंकि रिफ्लेक्शन आ रहा है। तो लाइक सब्सक्राइब के लिए तो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, क्योंकि मैं वीडियो एंड करने जा रहा था, लेकिन फिर मुझे आइडिया आया कि चलो एक बार लगा के देखते हैं ऊपर। तो अभी भले ही फ़ैन पे लाइट लगी नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से लुक जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर है इस कंडीशन में। और केबल मैनेजमेंट का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये सस्ता वाला कैबिनेट है जिसको मैंने अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लिया है, इसमें पीछे जगह नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि केबल्स पीछे ही जा रही हैं, बट केबल्स को बहुत ही प्रॉपर तरीके से इसमें हाइड नहीं किया जा सकता। ये कैबिनेट उस तरीके से डिज़ाइन नहीं है, फिर भी मैं मॉडिंग करके कर सकता था, लेकिन मुझे पावर सप्लाई के तार काटने का मन नहीं था कि मैं तार काट दूं और आगे से तार काट दूं और मैकेनिकल ड्राइव्स को उल्टा करके लगा दूं और ब्लैक वाली वायर पीछे से ले आऊं। मॉडिंग तो बहुत हद तक हो सकती है, लेकिन फिर उसमें पैसा भी खर्च होगा और टाइम भी लगेगा, उसके बाद अगर कुछ ट्रबल शूट करना पड़ जाए तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है फिर उसमें, फिर पूरा एक एक करके तार सोल्डरिंग आयरन से निकालो। ऐसे तो पावर सप्लाई में ऐसा ही निकाल दूंगा, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मॉडिंग कर दूंगा तो फिर दिक्कत आ जाएगी मुझे भी। तो इसलिए मैंने इतनी ज़्यादा मॉडिंग नहीं करी, कुछ तार मैंने वैसे ही हाल पे छोड़ दिए हैं, बट जब मैं इसको बाहर से देख रहा हूँ तो इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं चल रहा, क्योंकि लाइट डार्क है बहुत। हालांकि आपको मेरा रिफ्लेक्शन दिख रहा होगा उस पर, लेकिन मुझे जब मैं ऐसे सामने से देख रहा हूँ तो नहीं दिख रहा है, कैमरे में थोड़ा सा ज़्यादा उसमें रिफ्लेक्शन आ रहा है, बट रियल में अगर आप आँखों से देखें यहाँ बैठ के से तो डार्क लाइट है, चीज़ें लाइट भी है डार्क भी है, तो बड़ा ही अच्छा कॉम्बिनेशन आ रहा है। खैर सब कुछ तो मैं बोल ही चुका हूँ, लाइक सब्सक्राइब के लिए तो खाली बाय बाय बोल देता हूँ, बाय बाय।